रीवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने जनपद पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन के लिए पीठासीन अधिकारी एवं सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत हनुमना में स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिए हनुमना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अखिलेश कुमार सिंह को पीठासीन अधिकारी तथा तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत हनुमना सभागार में स्थायी समितियों का निर्वाचन 22 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने जनपद पंचायत मऊगंज में स्थायी समितियों के लिए निर्वाचन के लिए मऊगंज के SDM अयोध्या प्रसाद द्विवेदी को पीठासीन अधिकारी तथा तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत मऊगंज सभागार में 22 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से निर्वाचन प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने जनपद पंचायत नईगढ़ी में स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व PK पांडे को पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत नईगढ़ी सभागार में 22 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से निर्वाचन प्रारंभ होगा। उन्होंने बताया जनपद पंचायत रीवा में स्थायी समिति के गठन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुराग तिवारी को पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत रीवा सभागार में 22 अगस्त को प्रातः 11 बजे से निर्वाचन प्रारंभ होगा। कलेक्टर ने बताया कि जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में स्थायी समितियों के निर्वाचन के लिए डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार पांडे को पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान सभागार में 23 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से स्थायी समिति का निर्वाचन प्रारंभ होगा। जनपद पंचायत सिरमौर में जनपद के स्थायी समितियों के गठन के लिए संयुक्त कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री को पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत सिरमौर की सभागार में 23 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से निर्वाचन प्रारंभ होगा। जनपद पंचायत जवा में स्थायी समिति के गठन के लिए डिप्टी कलेक्टर संजीव कुमार पांडे को पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत जवा सभागार में 23 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से स्थायी समिति का निर्वाचन प्रारंभ होगा। कलेक्टर ने बताया कि जनपद पंचायत त्योंथर में स्थायी समितियों के गठन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व PK पांडे को पीठासीन अधिकारी और तहसीलदार को सहायक पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जनपद पंचायत त्योंथर सभागार में 23 अगस्त को पूर्वान्ह 11 बजे से स्थायी समिति का निर्वाचन प्रारंभ होगा।